नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज पंद्रह अप्रैल दोपहर तीन बजे राजस्थान की खास खबरें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में चुकाने वाला खुलासा हुआ है गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आई बांग्लादेश के तीन किडनी रिसीवर और दो डोनर से जयपुर पुलिस की पूछताछ में अवैध ट्रांसप्लांट करने के लिए हुए लेन का हिसाब सामने आया है ए ने जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें का सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह भी शामिल है एक किडनी ट्रांसप्लांट के के लिए अस्पताल की फीस अलावा रिसीवर से 21 लाख रुपए की वसूली होती थी इसका तीन जगह बराबर बंटवारा होता था रिसीवर से पूरी रकम दलाल लेता एक हिस्सा यानी सात लाख रुपए खुद रखता बाकी चौदह लाख रुपए रिसीवर और डोनर के बीच सगे रिश्ता होने के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जल्दी सर्जरी के लिए अस्पताल व एनओसी देने वाली राज्य स्तरीय कमेटी के नाम पर देता सीकर जिले में जीण माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहा परिवार अपने पैतृक गांव जाना चाहता था ऐसे में वे लोग रास्ता भटक गए थे इसी दौरान चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर उनकी कार पीछे से ट्रक में जा घुसी हादसे में सात लोगों की मौत हो गई हादसे में जान गंवाने वाले हार्दिक के चचेरी भाई हिमांशु बिंदल ने बताया कि एक्सीडेंट होने से एक घंटा पहले ही हार्दिक ने गांव भातवाड़ी की लोकेशन पूछी थी हार्दिक का पूरा परिवार खत्म हो चुका है जबकि उसकी मौसेरे भाई आशुतोष और उसकी मां इस हादसे में जान गंवा चुकी है हार्दिक के फूफा सत्य प्रकाश अग्रवाल मेरठ कैंट से चार बार भाजपा के विधायक रहे हैं शुभम के अनुसार परिवार मूलत सीकर जिले के ही भातवाड़ी का रहने वाला था करीब छह दशक से ये परिवार उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित शिव के ब्रह्मापुरी में रह रहा था हार्दिक की पांच साल पहले शादी हुई उसके उसके बाद बाद दो बेटियां भी हो इसके बाद शादी की जात देने वे लोग जीन माता गए थे। बीकानेर जिले में गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से एक व्यापारी परिवार से पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है रुपए नहीं देने पर व्यापारी उसके बेटे और भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है श्री डूंगरगढ़ के मोमासर बास में रहने वाले जुगल तावणिया ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में व्यापार करता है काम के सिलसिले में वो श्री डूंगरगढ़ और सिलीगुड़ी आता जाता रहता है व्यापारी को पिछले दो साल से रोहित गुदारा के नाम से धमकी मिल रही है अब रोहित ने कारोबारी के मोबाइल पर कॉल करके धमकाया कि पाँच करोड़ रुपए दो नहीं तो तेरा तेरे बेटे और भाई का मर्डर कर दिया जाएगा एफ में गैंगस्टर रोहित गुदारा और उसके गुर्गों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की मांग की गई पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है फिलवाड़ा जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे मां बेटे समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी आंसिद में नेशनल हाईवे एक पर हुई आंसिद थाना इंचार्ज हंसपाल सिंह ने बताया कि आंसिद की पालड़ी ग्राम पंचायत में नारिया नाडा चुराहे के पास ईंट भट्टा है भट्टे से तीन लोग राशन लेने जा रहे थे महिला मजदूर संतोष रहदास अपने अठारह वर्षीय बेटे शिव शंकर और एक अन्य मजदूर 33 ते वर्षीय प्रभु के साथ किराने की दुकान पर जा रही थी तीनों हाईवे किनारे पैदल चल रहे थे इस दौरान तो एक स्कॉर्पियो ने तीनों को टक्कर मार दी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई जोधपुर जिले में नेक्सा एवरग्रीन एनर्जी में निवेश और अच्छे मुनाफे का लालच देकर छब्बीस लाख अस्सी हजार की ठगी का मामला सामने आया है परिवादी के कोर्ट इस्तगासा में महामंदिर थाने में मामला दर्ज हुआ कॉलोनी निवासी वीरेंद्र सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी मुलाकात रणवीर बिजारणिया से हुई जिसने बताया कि हमारी नेक्सा एवरग्रीन एनर्जी कंपनी है उसका ऑफिस पावटा सी रोड जोधपुर में है उसका प्रोजेक्ट अहमदाबाद से अस्सी किलोमीटर दूर स्थित भावनगर में चल रहा है इसमें निवेश के नाम पर उनके ऑफिस गया जहाँ रणवीर ने अलावा सुभाष बिजारणिया बिरबल तेतरवाल मिले और उन्होंने कंपनी में निवेश पर अच्छे मुनाफे का लालच दिया परिवादी ने 26 लाख अस्सी हज़ार रुपये जमा करवा दिए कुछ समय मुनाफा आया फिर रिटर्न देना बंद कर दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है राजधानी जयपुर में दो महीने पहले हुए ऑटो रिक्शा ड्राइवर 45 वर्षीय मजीद खान के मर्डर का खुलासा हो गया पुलिस ने हत्या के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है वहीं तीसरा आरोपी बाल सुधार गृह में बंद है बदमाशों ने लूटने के लिए ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था लूटपाट के दौरान विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी रामगंज एसीपी सी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में पचपन वर्षीय मोहम्मद बाबुल उर्फ खुर्जा बाबुल निवासी पश्चिम बंगाल गलता गेट और चौबीस वर्षीय सोनू कुरैशी उर्फ यूसुफ कुरैशी निवासी सैयद कॉलोनी गलता गेट को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का लूटा गया मोबाइल व डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं दोनों नशे की लत को पूरा करने के लिए लूटपाट करते थे बांसवाड़ा जिले के स्टेट हाईवे 10 पालोदा आनंदपुरी पर नांदरी गांव के पास मिनी ट्रक और क्रूजर जीप के जोरदार भिड़ंत हो गई हादसे के दौरान जीप दो बार पलटी खा गई जिससे 14 लोग घायल हुए इस दौरान इलाज के दौरान एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल महिला डूंगरपुर जिले के निवासी वर्षीय पायल पत्नी धर्मेंद्र दर्जी के की इलाज की दौरान मौत हो गई अन्य घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जानकारी के अनुसार जीप सवार डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में दर्जी समाज से थे जो सांगवाड़ा से आनंदपुरी में गोद भराई के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे तभी नांदरी गांव में आनंदपुरी तरफ से आ रहे मिनी ट्रक ने सामने से जीप को जोरदार टक्कर मार दी इस भिड़ंत में जीप दो बार पलटी खा गई फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है राजधानी जयपुर में परिचित युवक द्वारा एक युवती से रेप का मामला सामने आया है विरोध करने पर आरोपी परिचित ने शादी करने का वादा किया शादी का झांसा देकर देश शोषण करता रहा प्रेग्नेंट का पता चलने पर होटल में छोड़कर भाग निकला शिप्रापत थाने में टोंक निवासी 19 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही है साल 2021 में उसकी मुलाकात स्वयं माधोपुर निवासी निरंजन मीणा से हुई परिचित होने के कारण बातचीत थी साल दो में आरोपी ने उसे मिलने की बहाने होटल में बुलाया और उसके साथ रेप किया विरोध करने पर शादी का वादा किया और झांसा देकर लगातार देश शोषण करने लगा प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर स्वाईमाधोपुर के एक होटल में छोड़कर फरार हो गया पुलिस मामले की जांच कर रही है इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को दो मैच खेले गए कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हराया इसी के साथ के के आर ने दूसरे नंबर पर अपनी स्थिति मजबूत की वहीं एल एस जी टॉप फोर से बाहर हो गई दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया इस जीत से सी एस के तीसरे नंबर पर पहुंची वहीं एम आई आठवें नंबर पर खिसक गई एल एस जी के निकोल्स पूरन सिक्स हीटर में टॉप पर पहुंच गए पर्पल कैप आर आर के यजुवेंद्र चहल और ऑरेंज कैप आर सी बी के विराट कोहली के पास है आज आरसीबी और एस आर एच के बीच मैच खेला जाएगा इसे जीतकर हैदराबाद टॉप थ्री में पहुंच सकती है वे बेंगलुरु के पास स्थिति सुधारने का मौका है अलवर शहर में चोर गैंग सक्रिय है बदमाश अधिकांश सूने मकानों को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं इससे पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए हैं एन थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में दो सोने मकानों में चोरी हो गई थाना अधिकारी दिनेश मीना ने बताया कि हरपाल फार्म हाउस के समीप निवासी ओम प्रकाश ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह उसकी पत्नी अपने बेटों के पास जयपुर गए थे पीछे से चोर मकान के ताले तोड़कर अलमारी में रखी दो सोने की चूड़ी दो सोने की अंगूठी व एक जोड़ी सोने के कानों के टॉप्स दो चांदी की पायल दो चांदी के चुटकी सहित दस हजार रुपये नगद चोरी कर ले गया इसी तरह रामनगर कॉलोनी निवासी अमजद खान ने रिपोर्ट दी कि वह परिवार के साथ ईद मनाने अपने गांव बड़ौदा में गए थे पीछे से बदमाश सोने मकान का ताला तोड़कर दो पॉइंट पाँच जीरो लाख रुपये सहित सोने चांदी के जेवर व अन्य सामान चोरी कर ले गए